अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने लास्ट हफ्ते में सीखा था कि हम लोगों ने कंटेंट कैसे ऐड करना है, या अपने कोई फाइल्स वगैरह या इमेज वगैरह कैसे ऐड करिए, वो हम लोगों ने सीखा। इसमें हम सीखेंगे कि हमने इसके फॉन्ट साइज़, फॉन्ट को कैसे हम लोगों ने चेंज करना है। यहाँ पर ये देखें, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक सैम्पल टेक्स्ट है, यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखें, ऊपर से जो है ना एक ये बार सी खुल गई है। ये फॉन्ट साइज़ को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगी। अगर हमने कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, आपको नहीं पसंद चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको बोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो ये देखिए, मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करके 14 पे जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर भी चेंज करूँ, तो ये जैसे हम लोग हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं, यहाँ पर ये हाईलाइट वैसे इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। और अगर हम यहाँ से भी फॉन्ट कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पर्पल, तो यहाँ पर ये देखें फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया। ये देखें अब यहाँ पर ये नीचे से मतलब सब उसके हेडिंग्स हैं, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सेम वैसे का वैसे ही आता है। ये है टैग एज टू डू, मतलब करने हैं या हो चुके हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये बॉक्स आ जाएंगे। अगर मैंने कोई काम कर लिया तो मैं इसको करूँगा तो ये टिक पे क्लिक हो जाएगा, टिक हो जाएगा। और अगर मैंने नहीं किया हुआ तो मैं उसको अनचेक भी कर सकता हूँ उस पर क्लिक करके।